उपस्थित महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बड़ी बहन सुनीता राव जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री हनुमंत राव जी, जिलाध्यक्ष भाई रोहिन रेड्डी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाई जगदीश्वर राव जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई प्रीतम जी, मंच पर उपस्थित नेतागण और यहाँ पर मौजूद मेरी माताएं बहनें साथियों, सभी को मैं नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं कि इतनी गर्मी में आप सब लोग जिलों जिलों से निकल के सुबह सुबह निकले हैं और आए हैं। आपका सबका मैं स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। आज की मीटिंग का बुलाने के पीछे विशेष मकसद तो हमारा राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल श्रीधर बाबू जो कि राष्ट्रीय सचिव भी हैं और कर्नाटक प्रदेश के प्रभारी भी हैं, मैं उनको पूछ रहा था कि कर्नाटक के चुनाव में जीतने में बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ बोली कि हमारे को मैक्सिमम महिलाओं का मैक्सिमम लेडीज़ ने कांग्रेस को वोट किया और कर्नाटक में सरकार बनी है तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी महिलाओं की रही है। तो मैंने पूछा क्यों रही है, तो उन्होंने वो दो तीन चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया कि 500 रुपीज़ में गैस का सिलेंडर प्लस एवरी फीमेल को जो 2000 रुपीज़ पर मंथ हमने प्रॉमिस किया, तो हर लेडीज़ के दिमाग में ये बात गई कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे बारे में सोचा, हमारे बारे में बात रखी, तो टोटल 80% लेडीज़ का वोट कांग्रेस की तरफ आया। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में भी कांग्रेस वुमेन मैनिफेस्टो लेडीज़ मैनिफेस्टो भी लेके आने वाली है, उसका भी कंसल्टेशन आप सबसे करेंगे कि आप लोग उसमें क्या सोचते हैं वुमेन मैनिफेस्टो के बारे में। आपसे कंसल्टेशंस करने के बाद तेलंगाना में भी वुमेन मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि अभी दिल्ली में पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है और हमारे देश की फर्स्ट जो सिटीज़न है वो महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रेसिडेंट है और ये प्रेसिडेंट का ही अधिकार होता है कि दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा की वो हेड करती है और उनको हमारे हनुमंत अन्ना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि लीडर ऑफ द बोथ हाउसेस हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है, लेकिन ये बीजेपी लेडीज़ को रिस्पेक्ट देना नहीं जानती ना वो देती है। जिस पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एक लेडी है, जो कि एक ट्राइबल लेडी है, एक गांव से निकली हुई लेडी है, जिसको ये लोग प्रेजेंट करते थे कि हमने एक ट्राइबल लेडी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, लेकिन जब उसको रिस्पेक्ट देने की बात आई तो आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये भी आपको जाके लेडीज़ में बात रखनी है कि लेडीज़ को जहाँ पे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिसको सबसे पावर एम्पावर किया, तो एक पोजीशन मिली, एक बीइंग अ लेडी ये पोजीशन मिली, बीइंग अ ट्राइबल ये पोजीशन मिली और उसको जो अधिकार है उसको अधिकार को छीनने का काम बीजेपी ने किया। और दूसरी बात, ये बीजेपी और TRS पूरा मिक्स मैच है, दोनों की सेटिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते, दोनों एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते। ये TRS वाले तेलंगाना तो सही, दूसरे स्टेट में भी जाके बीजेपी को मदद करने का काम करते हैं। जब पार्लियामेंट में राहुल जी ने बताया यात्रा के समय कि जब भी पार्लियामेंट में बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो ये TRS हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी होती है, दोनों मिस मैच फिक्सिंग खेलते हैं। तो ये इसमें हम लोग ये डिमांड भी करते हैं हनुमंत राव जी और पूरी महिला कांग्रेस की तरफ से, और एक रेजोल्यूशन भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं महिला अध्यक्ष की तरफ से कि हम लोग भी एक रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को भेजें कि इस पार्लियामेंट का अगर इनॉग्रेशन हो तो वो एक महिला के हाथ से हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से हो और द्रौपदी मुर्मू के हाथ से हो। आप लोग सहमत है तो दोनों हाथ खड़ा करके हम ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। दूसरी बात, हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन में प्रियंका गांधी जी आई थी, मैं खुद यूपी में प्रियंका जी के साथ एज अ सेक्रेटरी काम किया है 3.5 साल। प्रियंका जी
फीमेल्स को लेके, महिलाओं को लेके बहुत सेंसिटिव रहती हैं, उनके राइट्स को लेके सेंसिटिव रहती हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को लेके सेंसिटिव रहती हैं। यूपी में हमको सीट मिली या हमको सीट नहीं मिली, लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि मैं 40% टिकट महिलाओं को दूंगी, तो उन्होंने हर लिस्ट में इंश्योर किया कि इसमें 40% हैं कि नहीं है। दूसरी बात, तेलंगाना भी प्रियंका जी आई थी, तेलंगाना में प्रियंका जी ने हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन किया, यूथ में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल बोला कि मैं चाहती हूँ कि जो भी 18 ईयर्स एंड अबव बच्ची हमारी कॉलेज में जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है या पढ़ती है, सबको ये ई स्कूटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने घर से कॉलेज जा सके और आ सके, और कॉलेज करने के बाद अगर नौकरी करती है तो वो एम्पावर हो, कम से कम आने जाने में उसको तकलीफ ना हो। तो ये ई स्कूटी का प्रॉमिस भी प्रियंका जी ने किया है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है संगठन के तौर पे कि ये प्रोग्राम, ये हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन के पैम्फलेट हैं, आपको जितने चाहिए वो गांधी भवन से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये पैम्फलेट हमारे को घर घर लेके जाना है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 150 डेज ही बचे हैं। हम लोग घर घर ये लेके जाएंगे तो बच्चों को समझ में आएंगे कांग्रेस यूथ के बारे में क्या सोच रही है। दूसरी बात, ये जो मोबाइल नंबर है, अभी आप लोगों ने इस पर मिस कॉल किया, सबने 7661899899 पे कितने लोगों ने मिस कॉल किया, अभी हाथ खड़ा करो, अभी नहीं किया, पहले अपना अपना मोबाइल निकालो, आप लोग निकालो जरा, मैं आपको सिखाता हूं। सब लोग अपना अपना स्मार्टफोन निकालो, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे ना, दूसरे को समझा नहीं सकते। थोड़ा तेलुगु में समझाओ, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद भी करता हूं। मिस कॉल करने के बाद एक मिनट के अंदर अंदर आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज में एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। मारा मिस कॉल, मारा सबने, थोड़ा तेलुगु में समझाओ प्रीतम, थैंक यू।